की चाल उर्फ दहेज में कलेजा। इस तमाशे की पहली एंट्री में आइए रामरेली जिला छोड़कर चलते हैं कालू नगर की तरफ। कालू नगर के जमींदार गजराज सिंह, कालू नगर के जमींदार गजराज सिंह अपनी हवेली में बैठे नजर आएंगे और देखिए वो अपने नौकरों से क्या वार्तालाप करते हैं। आप लोग हमारे रंग मंच द्वारा देखिएगा। तुम लोग ससुरा अपने नाम का जयकारा काहे को लगा रहे? मालिक आपके नाम का जयकारा इसीलिए लगा रहे, आपको देख लेते तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मालिक झुलीलाल और मुन्नीलाल जी, मालिक ना हम कोई प्रधानमंत्री है, ना हम कोई मुख्यमंत्री है, ना ही हम कोई सांसद और विधायक है जी मालिक। हम इस कालू नगर के जमींदार हैं और हमारी जमींदारी में किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं होगा मालिक। और हाँ ये बताओ कि हमारी इस जमींदारी का क्या समाचार है? मालिक आपके इस जमींदारी में सुख समाचार सब ठीक है, किसी को कोई चीज की दिक्कत नहीं है मालिक। और सबसे बड़ी बात तुम तो जानते हो कि हमारे परिवार में हमारी बीबी शकुंतला, मेरा बेटा राजेश और मेरी बेटी सालू जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। क्यों नहीं मालिक, आज अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए। मालिक इजाजत दो, देख के आए। जा देखो क्या शकुंतला, जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो तब से इस गजराज सिंह की किस्मत ही बदल गई। अच्छा बल्ली लड़वा, ये बंदूक पकड़ो, जाओ ये बताओ। अरे बच्चे स्कूल गए कि अभी नहीं? अभी नहीं। अरे स्कूल जाने का टाइम हो गया? अभी तो नहीं गए, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे हो गई है भाई। वाह
मान गया तुम्हारी बात। अरे हमसे ज्यादा तो तुमको बच्चों की फिक्र लगी है। अरे सब जो भाग्यवान वो हमारे बच्चे हैं, मैं उनका पिता हूं। और क्या? तो तुम क्या समझती हो मुझे फिक्र नहीं रहती? आगे फिक्र रहती है। एक बात कहूं, हड़तालू के बड़े की चिंता है हमको नहीं, हड़तालू के बड़े की चिंता सालू के बड़े की चिंता है हमको नहीं, लड़का कोहनूर है। क्या नाम बताया? हाँ शकुंतला, बिल्कुल जैसे भगवान ने उस लड़के को सालू के लिए ही बनाया हो। लाखों में लड़का वो कोहनूर है, लब ने जैसे बनाया है मुझे लिए, लब ने उसे भाग्यवान। अगर तुम भी दोनों को एक साथ देखोगी तो यही कहोगी कि जमीन भगवान ने इन दोनों की जोड़ी एक ही के लिए। हाँ हाँ, लेकिन कम से कम अपने दोस्त से बात तो कर लो, शादी वादी करेंगे कि नहीं करेंगे? शकुंतला, बनराज सिंह हमारे बचपन का दोस्त है, हम दोनों की दोस्ती जग जाहिर है, जग जाहिर है। और हमारी बात बनराज कभी काटेगा नहीं। हाँ लेकिन कम से कम बात तो डाल दीजिए। ठीक है, अगर तुम कहती हो। आओ आओ बेटा राजेश, क्या बात है, कॉलेज नहीं गए? पहन लगू बेटा, खुश रहो बेटा। जी बोलो बेटा, अभी तक बहन नहीं आई। लो बापू नमस्ते। नमस्ते माँ। नमस्ते भाई, क्या बात है, अभी तुम लोग स्कूल नहीं गए? पिताजी बोलो। मैं बहन का ही इंतजार कर रहा था, अगर आप कहे तो मैं सालू को हॉस्टल तक छोड़ दूं। अरे इसमें कहने की क्या बात है, जाओ अपनी बहन को हॉस्टल तक छोड़ कर दिया। ठीक है पिताजी। और बेटी सालू ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई ठीक चल रही पिताजी। ठीक है, ये तुम्हारी पढ़ाई का आखिरी साल है। ठीक है पिताजी। इसके बाद हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी करके और अपने एक बाप होने का फर्ज अदा कर दूं। बात अच्छी लगी पिताजी। जाओ बेटे सालू को लेकर जाओ हॉस्टल तक छोड़ के आओ। देख रही हो अपनी बेटी, अरे ये तो तुमसे भी बड़ी हो रही। और क्या? वैसे एक बात बताऊं? कौन सी बात? अरे जरा पास तो आओ तो बच्चे गए। अरे छिल मिल सितारों का ऐसा
माननीय जगन्नाथ गुप्ता, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो आप हमारे श्रृंगार रूम में आ जाए। धन्यवाद। अब तो मस्ती हवाओं के हम चलो चलते हैं, चलिए दौड़ा दौड़ा जाए, दौड़ा दौड़ा जाए, कैसे दौड़ा दौड़ा जाए। अच्छा, सा पानी से आ रहा दौड़ा दौड़ा जाए। अभी तक आप लोग मिले काली नगर के जमींदार गजराज सिंह तथा उनके परिवार से, और अब आइए चलते हैं विराट नगर की तरफ। विराट नगर के ठाकुर बन्नाज सिंह का भतीजा राकेश्वर आप लोगों के समक्ष नजर आएगा, और देखिए वो क्या वार्तालाप करता है। आप लोग हमारे रंगमंच द्वारा देखिए। मैं
दे दे दे, काफी दूर आ गया। आज दिल्ली में मजा आ गया ना। हम कहेंगे हम दारू नहीं पी, दारू हमका खुद ही पिया है। लेकिन मेरी बात सुन, बड़े भैया के सामने ज्यादा उल्टा नहीं बोलने को। तुम कैसे ले लो, बड़े मालिक के सामने हम कम उल्टा बात ना कर पाए। क्या करो, चाहता हूं कि छूट जाए साली, लेकिन जब शाम हो जाती है तो फिर से पीना जरूर पड़ता है। ये दारू बताई कब छूट जाए, जब 12 बीघा खेत रहा 4 बीघा बिक जाए तो। ये कहा की बोतल है ना, या बाबू बोतल हमका लैट्रिन का। पंजाब की बोतल है साले, और इसमें पानी कहाँ का है रे। मैं बताता हूँ, पंजाब के बोतल में पंजाब की बोतल में कश्मीरी का पानी है। पंजाब की बोतल में जिसने इसको अपने होठों से नहीं लगाया, जबान ने इसकी जिंदगी खराब है ना। मालिक पीना है तो जीना है, अब ये नशे में हम कहो दूसरे घर में घुस जाए। ऐसा नहीं करना, अब हम तो जा रहे हैं नौकरी करें। कैसे? अब मालिक अब यहाँ से जावे पे गाओ, सवेरे 4 बजे अट जावे, सब मेरिया टट्टी फिरे हैं लुटिया ले ले भागा। किसी ने देख लिया तो पीछे पड़ेंगे साले, पट्टी खाएगा। बने लाल हम देखता हूँ तू जमाना शराब में, जमाना शराब Oh, my God.
नशे में होश गवाना शराबी, ओकर नशे में होश गवाना शराबी, ओकर नशे में होश गवाना शराबी, ओकर नशे में होश गवाना शराबी, गवाना शराब में मिलता है जिंदगी में मिलता है जिंदगी में बहा शराब मिलता है जिंदगी में बहा शराब मिलता है जिंदगी में बहा शराब जमाना शराब में मिला नशा हो गया यार ये हमका खाया करो तो साले इतनी क्यों बिलिया बे जाओ झील है तो साले मैं अपने को संभालू या तुझको संभालू कम पीटा साले चल खड़ा हो जा किसी तरह और हाँ अरे अब तो भैया जा नहीं जाएंगे क्योंकि साले इतने तो लगा लिया आप दुनिया जान जाए चाहे घर लेकिन ज्यादा भैया के सामने बोलना नहीं तो अब जैसा ले लो हवेली चलो हमका हवेली के 500 रुपया लाओ तो लाई जाए दुई कैन क्या लाएगा कैन बियर वाली अबे साले इतने में तो लगाने लगा और उसको पिलेगा तो साले रिएक्शन हो जाएगा दारू बे हमका पिया जाए अब आए हम दारू को पिया आओ चल कर बोले भैया के पास है ठीक है और मुझे हल्का हल्का सुरूर है ठाकुर बनराज सिंह ठाकुर बनराज